यू हैवंट अनलॉक दिस स्पॉट येट. ये क्या बात हो गई, यू हैवंट अनलॉक दिस स्पॉट. एक्चुअली हर गाड़ी में हाउ यू अनलॉक क्या करिस यार. आप में से कुछ लोगों को पता होगा क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या है. बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम अजमेर गया था 2014 में, वहाँ पर ऑफ सीजन था, मुझे पता नहीं मैं कौन से महीने में गया था. वहाँ पर काफ़ी वेपन्स मिलते हैं, तलवार मिलता है, चाकू मिलता है, उनमें से ये एक वेपन था, ऐसा मुझे बोला गया था. ये वेपन है, ये फ्रेश बाम्बू के स्टिक से उसको भुना के पूरा बनाते हैं. ये पूरा सब आपके सामने जो है तार वार डालते हैं. तो याद नहीं मैंने कितने में लिया था, काफ़ी बार्गेनिंग की थी. ये मैं अपनी स्विफ्ट की डिग्गी में रखता था पहले, इसका एक दो बार इस्तेमाल भी हुआ है मतलब. तो बेसिकली मम्मी ने ये वाला बेड साफ करने का डिसीजन लिया क्योंकि अभी ये बेड जाने वाला है, कुछ और आने वाला है. उसके अंदर ये मिला, बहुत सारी अलग चीज़ मिली, मेरे कॉलेज के आइटम मिले, बिकॉज में होटल मैनेजमेंट था, तो जो भी छोटी मोटी चीज़ मिली मम्मी ने रख लिया. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली वो है ये वाला बैग. ये जो आप एसर के लैपटॉप का बैग देख रहे हो, बेसिकली जब मैंने 2007 में फर्स्ट अपना खुद के पैसे से लैपटॉप खरीदा था कतर में, उसके साथ ये बैग, तो जो इतना अच्छी क्वालिटी का बैग उस टाइम मिलता था, वो भी कितने 25,000 रुपए के लैपटॉप के साथ. और मैंने जितने भी मैंने कतर एयरवेज स्क्रीनिंग की है, हमेशा मैं ये लैपटॉप लेके गया. सोचो इसको कितना टाइम हो गया है, स्टिल इट्स इन सच अ गुड कंडीशन. हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि उनके टाइम पे चीजें अच्छी मिलती थी, 10 साल पहले चीजें इतनी अच्छी थी, अभी कैसी हो गई है. सोचो रही अभी फिर से अपनी गाड़ी में रखू, क्या बोलते हो, झफड़ा आएगा तो तेरी. आई थिंक 2-2.5 हफ्ते बाद ऐसा हुआ है कि मैंने व्लॉग जो आज नहीं निकाला. संडे वॉज माई रेस्ट, से लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, भाई क्या हुआ, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया. इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद पूछ रही है, बोला मम्मी तुम तो व्लॉग देखती नहीं हो. अरे नहीं, वो मुझे एक दो के फोन आ गए थे, अभी सुरन भाजी का भी आया. क्या ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड है, उसमें गोको और गोहान गोको का बेटा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेन करते रहते. हाइपरबोलिक टाइम चेंबर क्या है, वो टाइम को स्लो कर देता है, मतलब एक दिन को वो एक साल बना सकता है. तो अगर आपकी परसों कोई बहुत खतरनाक फाइट है तो आप एक दिन को एक साल बना के उसमें एक साल के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो. जब लोग ट्रेन करते रहते हैं तो गोहान अपने डैड को देखते हैं कि वो आराम कर रहा है, वर्कआउट कर खा पी के एकदम सो रहा है. तो गोहान अपने डैड को पूछते हैं कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आराम क्यों कर रहे हो. बोलते हैं जितना इंपॉर्टेंट आपका ट्रेन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट आराम करना है. तो ये रूल हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है. जब बॉडी रेस्ट मांगे और आप बॉडी को रेस्ट नहीं देते तब गलत चीजें होना शुरू हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली हमको किसी को भी नहीं चाहिए ऐसा. आज ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता है मुंबई में. वसीम अपने घर से निकला मलाड से, मैं पवई से निकला, मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस से आया, वसीम वेस्टर्न से आया, मैं अभी बोरा बाजार टाउन में पहुंचा हूं. वसीम की स्कूटर बंद पड़ गई हाईवे में, बोलता है इतना गंदा जैम, एक बस वाला पीछे उसको टच करते करते बच गया, एक गाड़ी वाले ने टच भी कर दिया. और वट एवर इट इज़ सो फार सो गुड. रशीद भाई हमारे यहाँ खड़े, रशीद भाई का सीसीटीवी लगा रहता है, ऐसे में आता हूँ उनको दिख जाता है ये आया. आई जस्ट रियलाइज ये फ्रेम बहुत अच्छा है व्लॉग करने के लिए, येलो येलो ग्रीन. ये सिर्फ क्लैम्प चाहिए, ऊपर का नहीं चाहिए. जुनेद भाई को चाहिए ये ऊपर का सिर्फ. हाँ, और वही हाँ पूरा साथ में ले लो. तो बेसिकली मैं यहाँ पर मेन रीजन के लिए इसके लिए, बिकॉज जुनेद को माइक चाहिए, गोप्रो का फ्रेम चाहिए, और ये जो क्लैम्प है वो चाहिए. तो अभी रशीद भाई से ऐसे सीधा भिजवा दूंगा मैं, एंड ऑफकोर्स मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगा. मेरा कल जो दिन मैंने हीरो 8 का केस ईशान को दिया वो मैं अपने लिए बैकअप में रखूंगा. 4-5 दिन पहले मुंबई में बारिश आई थी, आपने सुना बहुत सारे झाड़ उखड़े. ये देखो एक झाड़ इस गाड़ी पे गिरा हुआ है और ये मूविंग गाड़ी पे गिरा रशीद भाई के सामने, रशीद भाई ने फोटो निकाला. सोचो अगर आप गाड़ी चला रहे हो आपको पता भी नहीं. असीम देखो बस वाले ने ठोका कि रिक्शे वाले ने ठोका, गाड़ी वाले ने ठोका, रिक्शा स्लोप पे इसका बंद हो गई और पीछे रिक्शे ने ठोका, बाद में वापस बंद हुई, लेकिन वो बस वाला बच गया, वरना आज वसीम हमारे बीच नहीं होता. प्लीज अपना एक्सेस का काम करा प्लीज. सुजुकी वाले को रशीद भाई ने बस ब्लैक टी लाया, इस पे हनी और जिंजर का. किसका बजर है मेरा, नो कॉपीराइट. टिपिकल चोर बाजार थीम. सबने डाला, मैंने भी डाला, चोर बाजार आओ ये गाना लगाओ. ये बहुत लोग माइक पूछ रहे थे, ये छोटा वाला माइक बहुत मुश्किल से अवेलेबल है नहीं ज्यादा करके, लेकिन ये वाला है. तो ये मैं जुनेद को भेज रहा हूँ और ये वाला भी भेज रहा हूँ. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आपको ब्लॉग करना है तो, इसके लिए कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन है. भाई की दुकान में भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा, लास्ट टाइम जब मैं आया था पूरा खाली था, एंड सच में मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतना मेहनत करते हैं यहाँ पर लोग और दुकान खाली रहती है, लेकिन अभी काफी भीड़ थी. तो रशीद भाई अभी जरा केस अरेंज कर रहेगा, तो मेरा इसी बहाने जरा मैं अपने हर्षित भाई को मिल के आता हूँ. वो रही हर्षित भाई की दुकान. सिस्टम चेंज. हर्षित भाई क्या चीटिंग है यार, अभी अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने ये लिया, अभी S3 आ गया, 4K 60, 4K 30 में शूट कर रहा है. गलत है यार ये, सोनी क्या करता है यार, पहले बोलता तो मैं रुक जाता. वैसे कब तक आएगा S3? September. अभी जो सोनी का S3 आया उसमें मुझे एक मेजर प्रॉब्लम ये लगी कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बिकॉज 12 मेगापिक्सल का कैमरा है करके उसमें लाइट ज्यादा आती है और करके वो लोग 4K 60 कर सके. 62 मेगापिक्सल है, तो अगर वो लूंगा तो उसमें फोटोग्राफी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें फोटोग्राफी भी अच्छी होती है. तो फॉर नाउ आई थिंक गुड, सोनी निकालेगा S4, इसमें साला फोटोग्राफी भी अच्छी रहेगी, मेगापिक्सल भी बढ़ा देंगे और 4K 60, क्या पता
6K 60 हो जाएगा तभी। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी तेज बढ़ती है यार, मतलब बच्चों से तेज तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आजकल। टाइम होगा एक लेंस ले लिया, सोचा कि एक वाइड एंगल लेकिन लेस एपर्चर वाला लेंस लू, कौन सा वाला। अब इसका जूम इन जूम आउट होता है ये फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये क्या कभी बैकअप के लिए लेंस रखने का कभी जरूरत पड़ जाए तो वो सोच रहा हूँ मैं, क्या अभी ट्रैवलिंग नहीं हो रही, पैसे बच रहे मेरे बस 1635 भी, लेकिन फिर वो बहुत हैवी हो जाता है। एक नया कैमरा मैंने देखा है जो कि मैंने जिसकी बहुत तारीफ सुनी है वो है ये, थोड़ा बहुत इसका वीडियोस देख रहा था मैं बैठ के। बेस्ट पार्ट पता है क्या इसका, कि अनलाइक GoPro का अडैप्टर को कितना छोटा है, GoPro को क्या तकलीफ होगी छोटा अडैप्टर निकालने के लिए। भाई मैं सुना तो डूब गया उस दिन मुंबई में, तेरे फोटोज वीडियोस देखे मैंने, कॉल कर रहा था शर्जील के घर के बाहर, कितना पानी भरा था। और ये संवाददाता किसके साथ? शर्जील रिपोर्टिंग। हाँ मैंने वीडियो देखा, फुल पानी डूब रहा है, कर रहा था उसी के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है, वेव क्रिएट कर रही है, बाइक वाइक पलट रही है, डूब रही है, मर रही है, हिल गई पूरी कार, ऐसे तैर के ऐसे साइड में गई, बाजू से गई। काश तू इंस्टाग्राम लाइव करता, गाइस मैं डूब रहा हूँ। मैं आता हूँ तो टाइगर लेके आऊँ मैं। अरे मम्मी जाने नहीं देती, मैं टाइगर निकालता, मजा आती। चलती ऑफकोर्स चलती भाई, उसका एग्जॉस्ट बाहर निकला। तुम की बोटे हो, कचरे फंसते मालूम गाड़ी में, चाय का कप, रैपर मेरी कार में फंसा। तो गाड़ी में फंसा ना, बाइक में नहीं फंसता। टाइगर निकल जाती, टाइगर जब तक उसका एग्जॉस्ट के अंदर से पानी नहीं जाता ना कुछ नहीं होता। BMW निकलता ही नहीं वो भी नाजुक है, वो न्यू है, वो न्यू आईफोन है। जब आईफोन पुराना होता तब अपन सोचते नहीं, तब अपन फेंक भी देते। अमीर कौन है देख रहे हो? इस पे बैक पे फेंका। इसको बोलते दिमाग, अमीरी के अलावा इसको बोलते दिमाग। नहीं मैं रेडी था, मैं जूता था पकड़ने के लिए मैं रेडी था, कुछ नहीं हुआ। क्या यूज करो पुराना हेट, मैं फेंकने डरूंगा अभी। फिर देखा कवर, इसमें कवर देख कितना है। अब कभी भी देखो आईफोन जो विदाउट कवर यूज करते हैं वो रियल अमीर रहते हैं। ये गरीब होते हैं। रजिल क्या हुआ, लद्दाख में तो पिछले लड़की को देख रहा था, उसके तो कुछ सीन क्रिएट। वो कैसा आइसक्रीम खा रही थी वो बोला, झूठ मत बोल। मेरे को मिल गया, चलो रशीद भाई बाय बाय। आज रशीद भाई का धंधा फुल फ्लैश पर चल रहा है, आज बिजी है। चलो बाय। सोले पानी चाय पिलाई रशीद भाई ने आज, एकदम मजा आ गई। परफेक्ट शक्कर, परफेक्ट चाय पत्ती, नो टेंशन। 14mm 2.8 आ गया अभी, वाइड एंगल लगाया इसमें। इतने छोटे शॉप में नहीं समझेगा, जब बहुत बड़ा चीज होती तभी समझेगा कि पीछे बोके अच्छा आ रहा है, एंड द क्वालिटी इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मेरा हाथ बार बार ऐसे जाता है जूम इन जूम आउट करने के लिए, जूम इन जूम आउट नहीं है, फिक्स्ड है। अपना लेंस बताओ, ये जो है अपना लेंस है जादू। मैं आपको एक महीने में बताता हूँ कि मिलूंगा कि नहीं लूंगा, हैव टू आस्क माय मदर। अब BMW बहुत खर्चा हो गया ना, तो मम्मी थोड़ी भड़की है। इतना सब कुछ नहीं खोला फिर भी मुझे फीलिंग आया, पुराने मुंबई वाली फुल फीलिंग आई। मेरा बम पूरा पापड़ हो गया है, लिटरली मैं एक्सेस में सैडलिंग करके आ रहा था और वसीम की एक्सेस बार बार बंद हो रही थी। एक्चुअली सुजुकी को मेरे को तेरे को ना 50% फ्री में एक्सेस देनी चाहिए, इतना प्रमोट जो किया भाई, कितना देख के हम लोगों को लिया। फ्री देना चाहिए ना, अपडेटेड मॉडल या फिर ये देखे नया देना चाहिए। हाँ ये वो चलेगा मेरे को, ये ले लो, मेरे को बर्गमैन दे दो अभी। मुझे बर्गमैन पसंद नहीं है, पैर आगे करके चलाने मेरे को नहीं पसंद। अरे फिर और वेट बम में आता है, ऐसा है ऐसा बनेगा। Also, I was this close to get the car out. मैं सोचा कि चल ना टाउन ही तो जाने का है, गाड़ी निकाल लेता हूँ। और जब ट्रैफिक देखी मैंने, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया बिकॉज ये टाटा नेक्सॉन का मेरे को बहुत गंदी चीज़ है। गाड़ी चालू करके खाना क्यों चालू होता है? एक्चुअली मैं जब भी वीडियो देखता हूँ टाटा वर्सेस नेक्सॉन, सब लोग टाटा नेक्सॉन की बहुत तारीफ करते हैं। टाटा नेक्सॉन नो डाउट इज अ वेरी गुड कार, लेकिन वेन्यू के बाद थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वेन्यू थोड़ी बेटर है। एज आई सेड बिफोर, मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुंबई वापस अपने पहियों पर वापस आ गई। जिम क्यों बंद है अभी और कुछ कुछ चीज़ें क्यों नहीं खोल रहे वो मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। कोई तुक नहीं बनता है, और सच बोलूँ ना मैं बाहर मैंने होता हुआ देखा है ये कि वायरस के नाम पर लोग अभी भी बहुत स्कैम कर रहे हैं। वायरस है, एग्जिस्ट करता है, कोविड इज सीरियस, लेकिन अभी जिस हिसाब से आप बाहर भीड़ देखते हो, एक बंदे को तो मैंने मास्क चबाते हुए देखा है, मैंने वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। और मुझे अभी भी अपना MS Squad का मेल आया, उसने मुझे बताया कि गोवा एंटर करने का प्रोसीजर ये है, बेसिकली दे विल जस्ट डू अ थर्मल चेक, आपका बीमारी चेक करेंगे, और अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो, सर्दी खांसी है, ओनली देन दे विल डू अ कोविड टेस्ट एंड दे विल आस्क यू टू डू अ 14 days क्वारंटाइन। अदर देन दैट नो टेंशन। अगर आप भी चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट मार के इसको पढ़ सकते हो। पोपट हो गया अपना यार, चले जाना चाहिए था। ठीक है कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रॉब्ली आगे कुछ और अच्छा होने वाला है। मुझे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का मेल आ रहा है जो कि डॉक्टर है, जो बोल रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद शैनेस, इतना होना नहीं चाहिए। प्लस डॉक्टर सेड दैट योर ब्लड प्रेशर्स कैन लियरली बिकम बैड, एंड बेटर टू स्टॉप इट बिफोर दैट ओनली, स्टॉप बीइंग सो एंग्जायटी, योर ब्रेन इज नॉट फोकसिंग। तो मैंने बोला सच में डॉक्टर ब्रेन नहीं फोकस कर रहा है, उस दिन अपना फुटेज डिलीट कर दिया, कोई कुछ बात करता दिमाग कहीं और सही ब्रेन नहीं फोकस कर रहा है इसका, बिकॉज इसका माइक मैं अभी तोड़ूंगा। मैं जब भी लैब पे माइक रखती है पूरा माइक टेढ़ा वाकड़ा टेढ़ा हो जाता है। एक्चुअली निकलेस द वन हु गिव्स मी एंजाइटी।
तो शानिस का मूड आया मॉल आने का, हम लोग अभी आया इधर इनोबिट मॉल में, इन्फिनिटी जाने का प्लान था, इन्फिनिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी निकालने में भी तकलीफ होती थी, तो बहुत समय बाद में मॉल आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं लॉकडाउन के पहले भी मॉल नहीं आया था, सिर्फ मूवी देखने आते थे, अभी तो थिएटर बंद है, बट गाड़ी देखो कितनी सारी गाड़ियाँ पकते हैं, अंदर भीड़ रहेगी थोड़ी थोड़ी, लुकिंग क्यूट क्यूट इन दिस। वैसे मास्क पहना है ना, कौन जाने का क्या पहना है हम लोगों, सब जान जाएंगे गाड़ियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग। अरे हाँ यार, गाड़ियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैवंट अनलॉक दिस स्पॉट येट, ये क्या बात हो गई, यू हैवंट अनलॉक दिस स्पॉट, हाउ यू अनलॉक, क्या कर रही है, मतलब बाहर ट्रैफिक है अंदर स्पेस, कमाल की बात है। हाँ जम जम, ये इधर इधर माय लेग्स आर बिकम वेट, जोश जोश में होश नहीं होने का, क्या क्या कर रही है ये, यू टोल्ड मी टू डू इट फॉर फर्स्ट, कैसे लगा, नहीं पता, तो शैनिस के टी-शर्ट के पीछे कुछ मिट्टी टाइप लगा हुआ है, प्रोबब्ली तू घर में बैठ टिका वेका लेके आई रहेगी, तो अभी शी इज लाइक आई एम एंबैरस्ड टू गो, जाने का नहीं जाने का, बोल जाने का नहीं जाने का, आई वांट टू गो बट देन दे विल थिंक आई एम वेयरिंग नाइट सूट, कूल नो, मास्क पहनी है, कौन, अरे कोई जज नहीं कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं जज करने का, चार महीने घर में बैठ के सब फ्रस्ट्रेट हो गए, वो देख अमीर फैमिली H&M से शॉपिंग करके आ रहे लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है मॉल के अंदर आके, मैं बता देता हूँ कि पार्किंग जो है वो फ्री है मॉल के अंदर, घुसने के लिए सिर्फ इनॉर्बिट में आरोग्य से तो आपको की जरूरत है, इन्फिनिटी में जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पर ऐसे मुझे क्या मालूम था कुछ, अरे आपका ऐसा सीन है कि हम खुद से बताए कि हमको हम बीमार या नहीं है, ये क्या मतलब, कुछ कुछ लोग बताते हैं, बताना चाहिए, अगर आप बीमार हो तो बताओ, वरना तो ऑब्वियसली नो ही बोलेंगे ना। मॉल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा फूड कोर्ट इज क्लोज, यहीं पर फूड कोर्ट है, वहाँ से आगे जाके मूवी हॉल, तो इसके लिए ऊपर का पूरा जाने के लिए बंद किया हुआ है, मतलब खाने के लिए आता था, अंदर जो है गर्म बहुत हो रहा है, तो इसी चाल पर अभी शैनिस नेचुरल बास्केट में शॉपिंग करने गई, तो मुझे अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है, मैं बाहर आया नोटिस किया कि बाहर भी थोड़ा बहुत गर्म है, बिकॉज के सेंटर जैसे चालू करना का परमिशन नहीं है, बिकॉज वायरस फैलता है, अपेरेंटली लो बहुत ज़्यादा काम रखा है, लेकिन उससे बहुत गर्म हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। अरे स्टारबक्स चालू है, चालू है, स्टारबक्स इज ऑन, सीसीडी गया, खत्म बिजनेस, बंद है वो। जिंदगी में सोचा नहीं था कि मॉल जाऊंगा और मैं इस तरह का वीडियो मॉल में शूट करूंगा, आई एम सो एक्साइटेड कमिंग इन द मॉल। एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, देखो मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है जिम और रेस्टोरेंट खोलने से, लेकिन मुझे लगता है अभी इतनी सारी चीजें खुली गई है, लिटरली आज जेजे फ्लावर के नीचे इतनी भीड़ थी और लोगों ने किसने मास्क नहीं पहना था, वहां पर कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कुछ जगहों में जिम जो छोटे जिम है ना वो चालू है, तो बड़े जिम चालू करने के लिए कोई क्यों रोक रहा, जबकि बड़े जिम में तो डिसेंट लोग आते हैं और लोग अपने और ज्यादा ध्यान रखते हैं, काफी लोगों का उस पर जॉब डिपेंड करता है, काफी लोगों की जिंदगी रोजी रोटी पर चलती है। आज के बजे तक गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग व्हाटएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, कुछ भी बुरा लगा तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। एज ऑलवेज शुक्रिया अलविदा, मा सलामत, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी से ब्लॉग में, शब खैर, एडियोस अमिगोस, बाय। जो फोन से ज्यादा कवर पे खर्चा करे वो गरीब होते हैं, हम जैसे लोग कवर लगाया उसने, बिना इनकम टैक्स रेट के तुम लोग मानोगे नहीं, ये देखो ढीला वो भी ऐसा, हम पहने ना भाई हमारा घड़ी 2 मिनट में टूटे, कवर ये वो सब लगा दिया इसमें, फिर ले लो ले लो।